अरबी जेई का जैसे एग्ज़ाम डेट आउट हुआ दशहरा के बीच, राइट, तो बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा, मतलब उनको अंदाज़ा नहीं था कि भाई इतना जल्दी पेपर करवा देगा, अरबी वाले करवा देंगे। मैंने लेकिन जब वीडियो बना के दिया था आपको, हाँ था, मैंने बोला था दिसंबर जनवरी तक पेपर होगा CBT 1 का, CBT 2 का अप्रैल मई तक होगा, मैं अभी भी बता रहा हूँ, और उसी को फॉलो होने का चांसेस है जो लास्ट टाइम हुआ था। कई लोगों ने बोला सर उस टाइम अलग था, अब टाइम अलग, मैं देखो भाई आ गया ना, लेकिन अब जो बातें करूँगा सुनना, आपके लिए बहुत काम का है और आपको फ़ायदा करेगा। वो क्या है, 60 डेज़ का जो वर्किंग प्लान है, मतलब क्या कैसे पढ़ाई करें 60 डेज़, ताकि बेस्ट आपका ये 60 दिन हो और इसके बीच में आप CBT 1 को क्रैक कर पाएँ, फिर आगे तो रास्ता CBT 2 का भी है, तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है रास्ता, और कोई अगर अच्छे से प्रिपरेशन करता है आराम से इसको पार कर सकता है। तो यहाँ पर आ जाइए, तो यहाँ पर 60 डेज में आपका क्या प्लान होना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। पहला फंडामेंटल बेसिक चीज़ें आपके पास होना चाहिए जो मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले क्या है, जो आई एम श्योर 30% 40% बच्चों के पास कम से कम ये नहीं है, ये आपके सामने है CBT 1 का कंप्लीट क्या एग्ज़ाम पैटर्न। आप चाहे तो क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको क्या करना, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। PDF से बचो, फिर से रिपीट करता हूँ मैं, PDF से बचिए, ये PDF जो है आपका प्रिपरेशन का लेवल को डाउन करके मानेगा, और ये कहीं अपने मन 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 कहानी बात बता नहीं रहा आपको, ये सच है, ये PDF वाला कहानी दिक्कत करता है। आप किताब आपके पास है, किताब से पढ़ के लिखना शुरू करिए, इस ये क्या करेगा, बेनिफिट क्या करेगा, कन्फ्यूज़न को दूर करेगा, क्लियरिटी लाएगा, क्लियर कट कंसेप्ट बिल्ड करने मदद करेगा, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ आप देख लीजिए, और इसी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात छिपा हुआ है जो मैं आपको बताऊंगा अभी, वो क्या है आपका, ये तो सिलेबस भी आ गया आपका, ये सिलेबस क्या है, इम्पोर्टेंट है सिलेबस, आपको पता होना चाहिए। इसके साथ क्या है ना, दो चीज़ें आपके पास जरूर होना चाहिए, इनका हर, खासकर इसका और इसका और इसका। जनरल साइंस आपके लिए बहुत दिक्कत क्रिएट कर सकता है, और रीजनिंग मैथ्स कुछ बच्चों के लिए दिक्कत क्रिएट करता है, कुछ कुछ टॉपिक्स में, अदरवाइज इतना नहीं। जनरल अवेयरनेस किसका है भाई, कितना आप पढ़ाई करते हो और लिखते हो, ये उसका गेम है, ठीक है, ये लेक्चर देखने का गेम नहीं है, जनरल अवेयरनेस पढ़ाई करने का गेम है, ये तीन है लेक्चर देखने का, तो इसी के बेस पर हमारा कोर्स है, पूरा कंप्लीट कोर्स आपको मिलता है 399 रुपीज़ में। मज़े की बात क्या है, उसके साथ पूरा कंप्लीट मॉक टेस्ट 100+ आपको फ्री मिलेगा, इससे बेहतर क्या हो सकता है, इजन इट। तो और इसमें मॉक जो हम करंट अफेयर्स भी देते हैं जनरल अवेयरनेस में, आपको मॉक टेस्ट में हर महीने का पिछले 1.5-2 साल का दे रहे हैं, इसीलिए ये थोड़ा सा अलग है बाकी लोगों से। 25 क्वेश्चन देते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, और जो मैंने वीडियो कोर्स बनाया है जनरल साइंस का, तो इंग्लिश में कंटेंट है, हिंदी में और इंग्लिश में बात के जैसे बात कर रहा हूँ मैं, ये हिंदी में कंटेंट आपको मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में, और जनरल अवेयरनेस का कुछ कुछ टॉपिक को मैंने कवर किया है हिंदी और इंग्लिश में, PDF में, PDF डाउनलोड कर सकते हो, बट उसके लिख लिख के याद करना नहीं दिक्कत आएगा, जो मेरे को लगा इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं सवाल उसी टॉपिक पर, कुछ और भी ऐड करेंगे, 15 के आसपास टॉपिक मैंने कवर कर दिया है, और 15 से 20 टॉपिक और दूंगा, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन इन जनरल पूछा जाता है RRB के एग्ज़ाम में, वो की बात कर रहा हूँ। एक लिंक है नीचे जिसमें क्या है, दोनों कवर हो जाएगा, कोर्स भी और मॉक टेस्ट भी, 399 रुपीज़ सिर्फ। लेकिन अगर आपको कोर्स नहीं चाहिए, मॉक टेस्ट तो सबको चाहिए, वो सिर्फ 199 रुपीज़ का है, वो उसी वेबसाइट पर जाके आप देखेंगे मिल जाएगा, जो लिंक पर क्लिक करना, होम पेज पे जाना मिल जाएगा, मैं लास्ट में डिस्कस भी करूंगा आपके साथ उसके बारे में। तो ये सिलेबस आप डाउनलोड कर लीजिए, मैं आपको कुछ चीज़ें और इसका एक अपग्रेडेड वर्जन देने वाला हूँ जो इम्पोर्टेंट आप सभी लोगों के लिए, अपग्रेड मतलब क्या, बेटर वर्जन, ये तो सभी के पास है, एक अपने तरफ से मैं जो बनाया हूँ वो वर्जन देने वाला हूँ, उससे क्या हो जाएगा आपको थोड़ा सा और बेटर अप्रोच पता लगेगा, और ये सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर कर देने वाला हूँ, कहाँ पर शेयर कर दूंगा, अपने टेलीग्राम चैनल पर, ये PDF सारे। तो यहाँ पर देखिए जनरल साइंस में क्या पढ़ना है, 9th क्लास का ये पढ़ना है, 10th क्लास का ये पढ़ना है आपको, वीडियो कोर्स में हमारा कंप्लीट कवर किया गया है, कंप्लीट वीडियो कोर्स है, कुछ टैब पर है और बहुत सारे कोर्सेज के हैं आपके इसी डिजिटल बोर्ड से बताया है, दोनों आपको समझ में आएगा, बिकॉज बहुत सारे बच्चों ने मुझे बहुत मैसेज कर रहे हैं इन कोर्सेज के बारे में कि सर समझ में नहीं आ रहा था, हमें अब समझ में आ चुका है कि भाई क्या चीज़ है, मतलब पूरा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, वो आपका हो जाएगा।
और ये सिर्फ इस एग्जाम में नहीं, हर एग्जाम में काम आएगा। अभी टाइम है 2 महीने के आसपास, अभी हो सकता है प्रिपरेशन, बड़े प्यार से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास हो गया करना है। ये बायोलॉजी और केमिस्ट्री और फिजिक्स में कितने कितने मार्क्स के सवाल आएंगे, रीजनिंग में देखिए ये आपका टॉपिक्स है और कौन कौन से टॉपिक्स में ज़्यादा सवाल आता है। रीजनिंग में भी हमने वीडियो कोर्स कवर कर रखा है, एक दो टॉपिक बचता है, एक नंबर सिस्टम जल्दी डाल दूंगा और एक है थोड़ा सा है वो मैं वो डाल दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं, आराम से हो जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्शन स्टेट्स एंड एजम्पशन, स्टेटमेंट एजम्पशन ये हो गया। मैथ्स में देखिए ये आपके पास सिलेबस है और टॉपिक वाइज आपके पास क्या है, क्वेश्चंस है। मैथ्स में भी आपका लगभग कवर्ड हमने कर दिया है, एक स्टैटिस्टिक्स का सवाल इन जनरल एक दो आता है तो उसको हमने अभी कवर नहीं करा है, बाकी ऑलमोस्ट कवर्ड है मैथ्स का भी आपका सिलेबस हमारे वीडियो कोर्स में। कोई अगर डाउट आता किसी टॉपिक में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत बात नहीं। हर वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन होता है, वो हम पढ़ते हैं और उसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन देने की कोशिश करते हैं आपको। ये जनरल अवेयरनेस का है, कौन से टॉपिक से कितने सवाल आता है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और इसमें एक चीज़ बता दूँ आपको मैं, जो करंट अफेयर्स उससे 5-6 सवाल आता है जनरल अवेयरनेस में ही, तो करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सारे जो टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स के ये करंट अफेयर्स, ये मतलब क्या करंट अफेयर्स है, ये टॉपिक्स के अकॉर्डिंग मैंने जो PDF प्रोवाइड करना शुरू किया, आप जाएंगे पता लग जाएगा, देखेंगे PDF पता लग जाएगा क्या कंटेंट हम दे रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और आई एम श्योर उसमें से काफ़ी सवाल आने का उम्मीद है, बिकॉज वो चीज़ें क्वेश्चन उससे क्वेश्चन पूछा गया ऑलरेडी लास्ट जो पेपर्स हुए हैं RRB के और डिफरेंट एग्जाम्स के जो पेपर होते हैं इस सिलेबस से रिलेटेड। ये तो हो गया आपका सिलेबस का डिटेल डिस्कशन। अब आता है सिलेबस, हमें पता लग गया, बेसिक हमारे को पता है, किताबें आपके पास होपफुली होगा, कोर्स मैंने बता दिया, किताब का सारे का लिंक डिस्क्रिप्शन है, आप बाय कर सकते हैं, ऑनलाइन करो ऑफलाइन करो आपकी मर्जी, पर लिंक डिस्क्रिप्शन में सबका दे दिया मैंने, आप जाके चेक कर सकते हैं। कुछ कुछ CBT 2 का किताब भी आपको मिल जाएगा, तो बेसिक आपका पता लग गया। अब दूसरा आता है, सर बेसिक तो हमें पता लग गया, अब क्या करना है। अब देखो गेम यहाँ से शुरू होता है, टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, टाइम, और उस टाइम में हम प्रॉपर स्टडी कर रहे हैं, प्रॉपर स्टडी प्रॉपर फोकस के साथ हम स्टडी कर रहे हैं, ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो कितना सर पढ़ें हम डेली, बहुत सारे बच्चे मेरे को पूछते हैं, मिनिमम 12 आवर्स पढ़ने की ज़रूरत है, इससे कम तो काम नहीं बनेगा। अगर आपके पास कुछ और काम नहीं है, पढ़ाई खाली पढ़ाई करना है, जितना दे सकते हो 15 घंटा दे दो 12 घंटा दे दो, लेकिन एक बात याद रखना, इसको मेंटेन करना है for 2 months। इसलिए जितने भी पढ़ाई करें सुबह सुबह 1 घंटा एक्सरसाइज करना जिससे पसीना निकले बहुत ज़रूरी है, ताकि आप पूरा दिन एनर्जेटिक फील करें। अच्छा, स्टार्टिंग में ऐसा होगा, एक्सरसाइज करने के बाद नींद आएगा, थोड़ा थकान लगेगा, बट आफ्टर फ्यू डेज यू विल फील मच बेटर, आपको पूरा दिन एनर्जी मिलेगा बिकॉज यू हैव डन सम वर्क एट अर्ली मॉर्निंग, राइट। और कहीं रात 12 बजे 1 बजे तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, 11 बजे सो जाओ। डेली 8 घंटे का नींद बहुत ज़रूरी है, अभी आगे भी 6 घंटा कर देना, बिकॉज शरीर को टाइम देना पड़ेगा आपको सही स्वस्थ रहने के लिए। शरीर खराब हो गया तो कहाँ यार 2 घंटा नहीं पढ़ पाओगे, 12 घंटे दूर की बात है, समझ पा रहे हैं। इतना पढ़ाई करना, अब इतने पढ़ाई में करना क्या है, ये आप पर डिपेंड करता है, आप कितने पानी में हो, कितने पानी हो कैसे पता लग गया, हमारा मॉक टेस्ट दो पता लग जाएगा, उधर रैंक दोगे सब कुछ दिखता है, कितना रैंक आपका आ रहा है बाकी बच्चों में, उसमें ऑलरेडी 1000+ बच्चे हैं और अभी रिसेंटली और 1-2 हज़ार बच्चे ऐड हो जाएंगे, तब को रैंक अच्छा दिखेगा उसमें। ठीक है, तो जल्दी जल्दी भाई साहब लेना है, डिस्क्रिप्शन लिंक है, जाओ फटाफट एनरोल करो और सीखना स्टार्ट करो। तो सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। बेसिक कंसेप्ट क्लियर क्या कहाँ से होगा, वीडियोज़ देखे, वीडियो देखना है कोर्स लेने के बाद, या फिर आपके पास अगर किताब है कंसेप्ट क्लियर है, वेरी गुड। अब क्या करना है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया, कम से कम 10 से 20 सवाल सॉल्व करना है RRB JEE का जो आया है पिछले प्रीवियस ईयर सवाल से, उसी टॉपिक से रिलेटेड, किसी और टॉपिक नहीं, 10 से 20 सवाल सॉल्व करना है। फिर क्या करना है, नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाना है, नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाना है और डिवाइड कर देना है चारों पार्ट का पढ़ाई, मतलब क्या है, जनरल साइंस का, मैथ्स का, रीजनिंग का और जनरल अवेयरनेस का, डेली चारों पार्ट पढ़ना है, डेली रिवीजन करना है, नहीं तो एक साइड से पढ़ते जाओगे एक साइड से भूलते जाओगे। रिवीजन करने का बेस्ट तरीका क्या है, रीजनिंग का और आपका मैथ्स का और जनरल साइंस का क्वेश्चन सॉल्व करना, एक बार रिवीजन कर लिया फिर सवाल सॉल्व किया, रिवीजन करा सवाल सॉल्व करा,
मॉक टेस्ट साथ में सिमल्टेनियसली देते रहना है टॉपिक वाइज। आपका जो सबसे दिक्कत का है जनरल साइंस, उसमें हमने हर टॉपिक का मॉक टेस्ट, हर चैप्टर का मॉक टेस्ट दिया है, और प्लस लास्ट में पूरा कंप्लीट फिजिक्स का मॉक टेस्ट 3 है, केमिस्ट्री का 3 है, बायोलॉजी का 3 है। फिर आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट हम 15 अक्टूबर के बाद हम अपलोड करना शुरू कर देंगे, 5 देंगे अभी जो हमारा इस मॉक टेस्ट के साथ है। बाकी अगर कोई डिमांड आता है कुछ और प्लान हम कर सकते हैं आगे, लगभग आपका नवंबर के फर्स्ट वीक तक प्लान करेंगे, दैट आई विल प्लान। बहुत अफोर्डेबल सबके लिए होगा, ठीक है। कहानी यहाँ तक समझ में आ गया, आई होप यू गॉट ऑल द पॉइंट्स राइट। इसके बारे में आप लोगों को पता लग गया क्या करना है यहाँ पर। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ गया। दिक्कत क्या आता है, लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं फिर इसको भूल जाते हैं। नहीं, साथ साथ रिविजन करते रहना है, यू हैव टू डू रिविजन एवरी डे। एक मिशन विजन के साथ में काम करिए, इसमें आपका होने का चांस सिर्फ 1% है, लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं है, करना पड़ेगा। अगर आपको बेटर लाइफ जीना है मेरे दोस्त, तो आपको काम तो करना पड़ेगा, अदरवाइज मजे वाली बात नहीं है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? सो ग्रेट। नाउ हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट टॉपिक आपको पता लगे करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये काम करना है, ये दो काम आपने कर लिया। अब ये चलता रहेगा कब तक, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा लगभग 15 नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, और 15 नवंबर के बाद कम से कम डेली 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है आपको, और हर मॉक टेस्ट से सीखना है, और जो सीखोगे वो एक शॉर्ट नोट्स बनाना है आपको, क्रिएट शॉर्ट नोट्स बनाना है आपको, उसमें लिखते रहना है कि मॉक टेस्ट 1 मैंने क्या सीखा, मॉक टेस्ट 2 मैंने क्या सीखा, और हर टॉपिक का जो की पॉइंट्स है उसका एक शॉर्ट नोट बना, हर चैप्टर की पॉइंट्स। मैथ्स का जो फॉर्मूला है उसका एक फॉर्मूला बुक बना लो, खुद का बनाना है, पीडीएफ से काम नहीं बनेगा। बनता तो मैं देता आपको, बनेगा नहीं मुझे पता है। जनरल साइंस का कुछ बात बन सकता है पीडीएफ नोट्स, मैं आपको फ्री में भी दूंगा, जो बच्चे फ्री में आ रहे हैं, और पेड वाले दे ही देंगे वो वाला नोट्स जो मैंने बना रखा है, कुछ मैं दूंगा आपको। बट मैं अगेन बोलूँगा, उस सारे खाली नोट्स से आपको पढ़ाई नहीं करना है, वो सारे जो आपका नोट्स है उससे सिर्फ क्या करना है आपको, आपको सिर्फ उससे पढ़ना है और फिर राइट डाउन करना है, काम बनेगा फिर। मैं तो वो सारे गया, मतलब पीडीएफ भरते रहोगे मोबाइल पर लैपटॉप पर, पढ़ाई नहीं होगा, मेन फोकस क्या है, पढ़ाई। समझ पा रहे हैं? ओके, तो यहाँ पर क्या शॉर्ट नोट्स बनाते रहना है, ये करना है, रिविजन करना है, 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट एवरी डे देना है आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स, और ये जो 10 से 20 सवाल हर टॉपिक का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट है आपको पता लग गया, समझ रहे हो? मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके टाइम, जिंदगी, प्रिपरेशन चेंज कर देगा, एक बात याद रखना। अच्छा, यहाँ पर कुछ और सवाल आपका हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट इफेक्टिव मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ, ताकि आप प्रॉपर स्टडी कर पाएँ। साथ साथ में बीच बीच में देता रहूँगा आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन, ताकि आप प्रॉपर स्टडी करते रहें, और अल्टीमेटली मॉक टेस्ट आपके पास होना चाहिए, जो लिंक मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें होम पेज पर जाके मॉक टेस्ट ले सकते हो, और दोनों ले लो, बहुत अफोर्डेबल है, 399 रुपीज़ का। कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, टॉपिक चलाना चला जाना, जनरल साइंस में मज़ा आ जाएगा आपको जाके, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। अब चलते मैं आपको दिखाता हूँ कोर्सेस में क्या है, ताकि आपको पता लगेगा, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, और ये 60 दिन, आप 60 दिन छोड़ो, 20 दिन अगर आपने फॉलो कर लिया इस प्लान को, यू विल फील मच बेटर, एंड दैट विल रिफ्लेक्ट वेन एवर विल राइट मॉक टेस्ट। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज वॉट, जब भी आपका प्रिपरेशन, अभी मान लो आपका प्रिपरेशन ठीक ठाक आपको लगता है, डेली 50 सवाल सॉल्व करना है, 50 क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व ईच एंड एवरी डे। 50 सवाल किसका भाई, मैथ्स का, रीजनिंग का, जनरल अवेयरनेस कर रहे हो, 100 सवाल डेली करना है, ठीक है, आफ्टर लर्निंग द बेसिक कंसेप्ट, लर्निंग एवरीथिंग। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये देखिए कंप्लीट कोर्स है वीडियो कोर्स का, वीडियो कोर्स में हम जीके का से पीडीएफ दे रहे हैं, बाकी तीनों का कंप्लीट कोर्स है, एक दो टॉपिक रहता है दे देंगे आपको कुछ दिन में। ये रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स देख लीजिए, जितना जल्दी पढ़ सकते हो, ये आपका मैथ्स का कंप्लीट कोर्स है, और ये कोई गाना सुनाते हुए कोर्स नहीं है भाई, ये रिकॉर्डेड मोड में ही मैंने शूट किया है, कोई ऐसा नहीं टाइम पास कराया ना, पूरा कॉम्पैक्ट, कोई फालतू बकवास नहीं, ठीक है, जाना गाना नाचा ऐसा कुछ नहीं है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट कोर्स है, एंड बायोलॉजी भी पूरा कंप्लीट कोर्स है, मज़ा आ जाएगा आपको। अरे पीडीएफ अब तक हमने हिंदी इंग्लिश में इतना दे रखा है, देखिए जो जहाँ से सवाल आता है इन जनरल,
ठीक है, आगे और देंगे पीडीएफ आपको। इसमें मैं कम से कम 25-30 टॉपिक और ऐड करने का मेरा प्लान है, मैं आपको दूंगा। तो मॉक टेस्ट में क्या मिलता है, ये जैसे मान लो मैं एक लिंक दूंगा, उसमें दोनों कोर्स एक साथ मिलेगा 399 रुपीज़ में। आप क्या करना, होम पेज पे आना, फिर खाली मॉक टेस्ट किसी को लेना है, मॉक टेस्ट पर क्लिक करना, 200 रुपया का आता है, 100+ मॉक टेस्ट दे रहे हैं। मॉक टेस्ट में दिखाऊंगा क्या, क्या 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 आपके पास है। एक्सपर्ट टीम मेंबर क्वेश्चंस को अभी भी बना रहे हैं जो बचा हुआ है, और 5 फुल लेंथ आपको मॉक टेस्ट देगा। ये जो है CVT 1 तक का वैलिडिटी है दोनों कोर्सेज का, ठीक है। आप यहाँ पर कोर्स में देखिए, करंट अफेयर्स January 2023 से दे रहे हैं, 25 क्वेश्चन हर महीने का है, और जून तक दे चुके हैं, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीना और दे देंगे आपको। ये देखिए सारे के सारे टॉपिक यहाँ पर हमने कवर कर रखा है, ईच एंड एवरी टॉपिक आई हैव कवर्ड हियर। एंड रीजनिंग आपके पास ये पूरा कंप्लीट है, रीजनिंग का, उसके बाद कंप्लीट के बाद फिर मॉक टेस्ट भी है, मैथ्स पूरा कंप्लीट है, जनरल साइंस पूरा कंप्लीट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सारा, और साथ में 3 और फुल लेंथ आपको देंगे जैसे बोला 15 अक्टूबर के बाद। तो ये भाई साहब पूरा कंप्लीट कोर्स है, लिंक डिस्क्रिप्शन जाइए ज्वाइन करिए, किताबें सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में। और जो PDF चाहिए अगर आपको, हालांकि मैं बोलूँगा वीडियो में पॉज करके लिखना शुरू कर दीजिए, PDF लेके कोई फ़ायदा नहीं होता है। PDF किसका, सिलेबस का, और कौन कौन से टॉपिक से कितना सवाल आया है, ठीक है। मज़ा आया आपको वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए, और मौज मारिए। इस बार जाने नहीं देना है, इस बार अपना 100% देना है, एक भी सेकेंड खराब नहीं करना है, पूरा इम्पोर्टेंट अपना, जो चीज़ें आपको ज्ञान मिलेगा ठीक है, आप काम पे ध्यान दो। थैंक यू।